नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव कराने के लिए 13,638 मतदान केंद्र बनाए हैं और दिल्ली एमसीडी चुनाव का मतदान रविवार को होगा और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी, जिसके लिए प्रचार शुक्रवार को समाप्त हो गया था। और राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के एक बड़े कार्यबल ने दिल्ली भर में बनाए गए 13,638 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने के लिए आवश्यक प्रयास किए हैं। मतदाताओं के लिए 68 आदर्श मतदान केंद्र और 68 गुलाबी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव के लिए फोर्स की तैनाती के भी इंतजाम किए गए हैं। आयोग ने कहा है कि सुरक्षित और सुखद मतदान के लिए खास व्यवस्था की गई है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसका भी खास ध्यान रखा गया है। और चुनाव आयोग ने तैयारियों को देखते हुए सभी सोशल मीडिया पर ओपिनियन पोल या फिर किसी भी अन्य चुनाव सर्वेक्षण पर 2 दिसंबर शाम 5:30 बजे से 4 दिसंबर शाम 5:30 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने चुनाव के पहले 48 घंटों के दौरान किसी भी चुनावी प्रदर्शन और प्रचार करने पर प्रतिबंधित लगाया है। और इसी के साथ दिल्ली सरकार के स्कूल भी आज बंद रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान एक पुलिस अधिकारी ने बयान दिया कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था सही तरीके से बनी रहे, इसके लिए पुलिस 24 घंटे काम कर रही है। और विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने बताया है कि दिल्ली पुलिस एमसीडी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और हर संभव चीज का ध्यान रखकर योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद 3 चरणों में अलग अलग तरह की सुरक्षा तैनाती की पूरी तैयारी की गई है। और यह भी जानकारी सामने आई है कि दिल्ली पुलिस की विशेष टीम केंद्रीय एजेंसियों के साथ काम कर रही है और मिनट टू मिनट पुलिंग्स का भी जायजा लिया जाएगा। और बता दें आपको कि इसके पहले भी शुक्रवार को स्पेशल सीपी सागरप्रीत हड्डा ने कहा था कि दिल्ली पुलिस द्वारा एमसीडी चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए 24 घंटे काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 30,000 जवान ड्यूटी पर होंगे, जिनमें से 16,000 दिल्ली पुलिस के जवान होंगे और बाकी बाहरी बल होंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं सैयद मुबस्सिर। और बता दें आपको कि दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर उनके पास क्या अपडेट है, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। तो सैयद, क्या अभी अपडेट है? फिलहाल सुनान, देखिए अभी तक का फिलहाल जो अपडेट है, तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या आउटर स्टेट फोर्सेज को बुलाया गया है। यूपी के खासकर काफी बटालियन जो है वो यहाँ दिल्ली पुलिस का सहयोग करेंगे। तकरीबन 16,000 से 17,000 जो दिल्ली पुलिसकर्मी है वो चुनाव में हिस्सा लेंगे, वो सुरक्षा का ख्याल रहेंगे। 3 लेयर में सुरक्षा रखी गई है। पहले सबसे पहले दिल्ली पुलिस है, उसके बाद जो बाहरी फोर्सेस जो आई हैं वो रहेंगी, उसके बाद जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस जो अंदर बूथ लेवल पर आएगी। तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर काफी पुख्ता इंतजाम किया गया, चाहे वो स्टेशन सिटी लॉ एंड ऑर्डर जोन साउथ जोन सेकंड हो और सागरप्रीत हुड्डा की बात हो या फिर दीपेंद्र पाठक की बात हो, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल सीपीज हैं उन्होंने अपने अपने जोन वाइज सारे मीटिंग रखी है। डिस्ट्रिक्ट डीसीपी को दिशा निर्देश दिए गए और एसीपी और थाने के जो एसएचओज हैं उनको काफी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनको सुरक्षा के मद्देनजर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कोई दूसरी बात करें चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग ने तकरीबन 90% से ज्यादा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम एक शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूरी तरीके से अब तैयार हैं। जो पोलिंग स्टेशन है वो बनाए दिए गए हैं, तकरीबन 13,000 से ऊपर के स्टेशन पूरी दिल्ली में बनाए गए हैं। कल सुबह जो है कह सकते हैं कि 7 बजे के बाद से मतदान शुरू हो जाएगा और दिल्ली वाले अपने मतों का प्रयोग कर पाएंगे। दूसरी तरफ सुमन, सबसे अहम बात यह है कि इस बार का चुनाव काफी अहम हो रहा है। एमसीडी में जिस तरीके से 15 साल 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, क्या आने वाले दिनों में 7 तारीख को जब नतीजे आएंगे क्या वो जो साख थी बरकरार रख पाएगी बीजेपी, ये तो वक्त बताएगा। आम आदमी पार्टी कितना गेन कर पाएगी और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को धरातल तक लाने में कितना कामयाब हो पाएगी, ये तो 7 तारीख को नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से एमसीडी की तैयारी है लगभग पूरी हो चुकी है, कल 7 बजे के बाद से जो है चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। सुमन जी, सैयद अगर डिटेल में बात की जाए तो चुनाव के लिए जो फोर्स की तैनाती है वो किस तरह से रहेगी, इंतजाम क्या क्या रहेंगे सैयद वहां पर? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस स्टेशन की बात करें तो पुलिस स्टेशन में जो है बाहरी जो सबसे पहली लेयर होगी वो दिल्ली पुलिस देखेगी उसको, उसके बाद दूसरी जो लेयर होगी उसमें जो आउटर डिस्ट्रिक्ट की जो आउटर स्टेट की जो दूसरी, चाहे यूपी हो चाहे दूसरे राजस्थान हो,
जहां से पुलिस फोर्स का बंदोबस्त किया गया, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, वो रहेंगे, और थर्ड लेयर यानी अंदर जो पोलिंग बूथ के आसपास रहेगी उसको पैरामिलिट्री फोर्सेस कवर करेगी। तो ये तीनों तीन लेयर में सिक्योरिटी फोर्सेज, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, दूसरे राज्यों की पुलिस हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स हो, वो इसको कवर करेगी। तो इस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पोलिंग स्टेशन है उसे 100 मीटर के बाद जो कैंडिडेट के अपना जो पार्टी के टेबल्स लगती हैं, जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो उसके बाद होंगे। 100 मीटर के दायरे में किसी भी कैंडिडेट का या किसी भी प्रचार सामग्री का उपयोग बिल्कुल भी प्रतिबंधित रहेगा, उसकी तरफ से साफ दिशा निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से, दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से। और इससे पहले जब चुनाव आयोग ने जो विजय देव है चीफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली, उन्होंने साफ कर दिया था कि इस बार स्थिति को थोड़ा सा और आगे जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बुजुर्गों की, तो उनके लिए भी कई सारी सुविधाएं रखी गई है, चाहे वो व्हील चेयर की बात हो, चाहे वो पोलिंग स्टेशन पर उनको लाने की बात हो, उनके लिए गाड़ियों की बात हो, उन सब चीजों का भी ध्यान रखा गया है। और तीसरे और सबसे अहम बात की मतदान जिस वक्त चलेगा उसको पारदर्शिता बनाने के लिए चुनाव आयोग ने भी काफी सारे कदम उठाए हैं। जी सैयद, जिस तरह से जानकारी ये भी है कि आयोग ने चुनाव के पहले 48 घंटे के दौरान किसी भी चुनावी प्रदर्शन और प्रचार करने पर प्रतिबंधित लगाया। बिल्कुल सुमन, देखिए ये चुनाव प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पूरी तरीके से बंद हो जाता है। कल देर शाम 5 बजे के बाद से पूरी तरीके से चुनाव बंद कर दिया गया, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, इंडिविजुअल अपने घरों में जाके वैसे आप मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन आप किसी तरीके से सड़कों पर या चुनाव कार्यालय जहां पर उस तरीके का वो कार्यालय पे मीटिंग या इस तरीके की भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते, कोई भी प्रचार इस तरीके का नहीं कर सकते। तो 48 घंटे के से जब बचते हैं चुनाव के, पोलिंग के जो डेट होती है उसके 48 घंटे पहले पूरी तरीके से चुनाव प्रचार पे एकदम रोक लगा दी जाती है। यही चुनाव प्रचार की प्रक्रिया जो गुजरात में चल रहा है अभी, उसमें भी देखने को मिली थी। दूसरे चरण के चुनाव की तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री खुद गुजरात में लगातार रोड शो कर रहे हैं और दिल्ली में लगातार जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो रोड शो कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे थे। तो कल तक जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो चुनावी प्रक्रिया थी, प्रचार था, वो शाम 5 बजे के बाद पूरी तरीके से अब थम गया है। जी जी सैयद, जिस तरह से दिल्ली सरकार के स्कूल भी बंद रहेंगे ऐसी भी जानकारी है, तो इसको लेकर थोड़ी अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल, कल जो चुनाव प्रक्रिया है उसके तहत स्कूल जितने भी है, हालांकि वैसे भी संडे था तो इस वजह से, और आज भी जो दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं और एमसीडी के भी काफी स्कूल जो हैं जो ऑर्डर आए थे वो बंद कर दिए गए चुनाव प्रक्रिया को देखते हुए, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो चुनावी ड्यूटी पर रहेंगे। काफी टीचर्स जो दिल्ली के हैं उनको चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। दूसरी तरफ जो सेक्रेटरीट के जो एम्प्लॉयज हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको ड्यूटी पर लगाया गया है। तो उन सब चीजों को देखते हुए पूरी तरीके से स्कूलों को बंद रखा गया है फिलहाल। जी सैयद, अगर सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली पुलिस के जवान तो होंगे ही मौके पर, वहां बताया जा रहा है कि बाहरी जो बल है वो भी मौके पर पहुंचेगा और सुरक्षा के इंतजाम जो है उसको पुख्ता किए जाएंगे। बिल्कुल, सुरक्षा की बात जैसे मैंने पहले बताया आपको सुमन कि तीन लेयर में सुरक्षा है, बाहरी सुरक्षा दिल्ली पुलिस के हाथ में है, उसके बाद जो अंदर राउंड पे रहेंगे वो बाहरी राज्यों से, जो चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां से जो पुलिस बल आया है वो देखेंगे, और जो पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग बूथ है जहां पर, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। वहां पर किसी तरीके से पुलिस का डिप्लॉयमेंट नहीं है, सिर्फ पैरामिसिस में पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा, लेकिन जो पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग बूथ है के अंदर है जहां पर वोट डाले जाएंगे वहां पर पैरामिलिट्री को तैनात किया गया है, और पूरी तरीके से सुरक्षा के दिल्ली में खासकर एमसीडी चुनाव को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चलिए फिर रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर के कल्याणपुर थाने के दीवान की दबंगई ने एक सब्जी वाले की पूरी जिंदगी तबाह कर डाली है। पुलिस कर्मी के कारनामे से गरीब अब अपने दोनों पैरों को महरूम हो गया है। दरअसल थाने के सामने रोड किनारे टमाटर बेचने वाला तराजू पुलिस कर्मी ने उठाकर पास की रेल पटरी पर फेंक दिया था। जब सब्जी वाला उठाने गया तो ट्रेन से उसके दोनों पैर कट गए हैं। इस मामले में आरोपी दीवान को सस्पेंड कर दिया गया है। चश्मदीदों ने बताया है कि कल्याणपुर थाने के सामने रोड के किनारे सब्जी वाले की दुकान लगती है और यहां दुकानें लगाना नियम के विरुद्ध है, लेकिन कुछ गरीब परिवार दशकों से यहीं पर दुकान लगाकर अपना पेट पालते हुए हैं और इन्हीं में शामिल लड्डू भी यहां टमाटर की दुकान लगाए हुआ था। दुकानदार का आरोप है कि दीवान राकेश कल्याणपुर थाने के दरोगा सादाब के साथ मौके पर आए और उन्होंने पहले लड्डू को खूब हड़काया, फिर अचानक उसके तराजू उठाकर पीछे रेलवे लाइन पर फेंक दिया और इस दौरान सब्जी वाला पुलिस दीवान से जब हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा, तराजू मत फेंकिए, मैं दुकान हटा रहा हूं, लेकिन दीवान ने उसकी एक ना सुनी और तराजू समेत कुछ सामान उठाकर रेलवे पटरी पर फेंक दिया। दुकानदार लड्डू दीवार फांद कर ही जल्दी से अपना तराजू लेने पर रेलवे पटरी पर पहुंचा और उसी समय सामने से आ रही ट्रेन ने
उसको टक्कर मार दी, जिससे उसके दोनों पैर कटते हुए चले गए और चीख पुकार सुनकर आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंचे। तब तक पुलिसकर्मी भी आ गए और खून से लथपथ सब्जी वाले को लोगों ने पुलिस की मदद से उठाया और कानपुर के हेल्थ हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आज शाम थाना कल्याणपुर क्षेत्र अंतर्गत अरसलान नाम का एक युवक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम उसको इलाज कर रही है। सूचना पाने पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हॉस्पिटल पहुँच के उनके परिवारीजन से बात की गई और उनको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटी देने का आश्वासन दिया गया और हॉस्पिटल स्टाफ से भी अनुरोध किया गया कि अरसलान को बेस्ट पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। घटना के संबंध में प्रथम दृष्टया जांच करने पर यह पाया जा रहा है कि आज शाम कल्याणपुर पुलिस द्वारा स्थानीय स्तर से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, जिस दौरान हेड कॉन्स्टेबल राकेश कुमार के द्वारा शिष्टाचारिता बरतते हुए और लापरवाही पूर्ण व्यवहार किया गया, जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई और अरसलान ट्रेन की चपेट में आ गया। हेड कांस्टेबल राकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर को दी गई है। घटनास्थल के आसपास कई लोगों के द्वारा मौके पर वीडियो बनाए गए हैं, उन सबको भी प्राप्त करके यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह सिक्वेंस ऑफ इवेंट रहा होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दानिश, बहुत गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर एक सब्जी दुकानदार को दोनों पैर अपने खोने पड़े हैं। देखिए, इस वीडियो में दो चेहरे हैं, एक इंसानियत का, दूसरा क्रूरता का। पहला, जब सब्जी वाले को पुलिस कर्मियों ने किसी बात को लेकर उनसे हटाया हो या अतिक्रमण अभियान चल रहा हो, जैसे कि अभी वरिष्ठ पुलिस जो अधिकारी है उनका यह बयान आया, उस बयान में साफ साफ ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण अभियान चल रहा था। तो ये कैसा अभियान है जहां पर किसी मजलूम को पैर गंवाने पड़े, क्या सस्पेंड कर देने से दीवान को उनके पैर वापस आ जाएंगे? अब उसके परिवार का जो भरण पोषण है वो कैसे होगा? जहां एक तरफ प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, सभी तरीके के लोग सरकारी योजनाओं को लोगों को गरीबों को योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कहीं फ्री राशन मिले, उनकी सुविधाएं देखी जाए। दूसरी तरफ सरकार के जो नियमावली पर जो बट्टा इन्होंने लगाया है पुलिस कर्मियों ने, इस पर एक सवाल खड़ा हो गया है कि इंसानियत की दुहाई उस पुलिस कर्मी को दी जाए जिसके पैर कटने के बाद जब उस युवक को उस पुलिस कर्मी ने उठाया, या फिर उन पुलिस कर्मियों को बद्दुआ दी जाए या हाय हल्ला किया जाए कि किसी दरोगा दीवान ने तराजू को उसके जो व्यापारी था उसको फेंक दिया गया, मौके पर जब उठाने पहुंचा तो उसके दोनों पैर कट गए। जिम्मेदारी किसकी है, लापरवाही किसकी है, इंसानियत किसने खोई और बेशर्म कौन है, ये यहाँ पर अब किसको कहा जाए? लेकिन दर्द उस परिवार का सोचिए जिसके परिवार में कमाने वाला ये बंदा होगा और जिसके पैर कट गए, उन पैरों से पूछिए क्या वो पैर वापस आ पाएंगे? अंग दान तो लोग कर जाते हैं मरने के बाद, लेकिन जीते जी उसके अंग दान हो गए, जीते जी उसके दोनों पैर चले गए। दूसरी बात, जो दीवान राकेश बताया जा रहा है, इसको सस्पेंड कर देने से, सस्पेंशन ऑर्डर दे देने से क्या उस सब्जी वाले के पैर वापस आ जाएंगे? दूसरी चीज, जो दरोगा वहां पर तैनात है, थाना का जो बताया जा रहा है शादाब अहमद, क्या उस शादाब अहमद पर कोई कार्रवाई की गई है या दरोगा पर आखिर कौन सी कार्रवाई की गई है? क्या अंग दान वो कर पाएंगे या दीवान से पूछा जाए कि उसके पैर जो चले गए वो वापस कैसे आएंगे? अतिक्रमण अभियान चल रहा था या अंग कटवाने का अभियान चल रहा था? कानपुर पुलिस को सबसे पहले तो सोचना चाहिए, जिस कानपुर में दरोगा और पुलिस की वर्दी चोर चुरा ले जा रहे हैं, चैलेंज कर दे रहे हैं, उस कानपुर में आज सब्जी वाले के दोनों पैर चले गए, आखिर उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है? दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ है बेहद ईमानदार है, जीरो टॉलरेंस का दावा करके आए हैं, वादा करके आए, ऐसा नहीं है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, कहीं सिपाही सीओ को दरोगा या सिपाही बनाकर नजीर पेश कर रहे हैं, किसी को निलंबित करके कर रहे हैं, किसी को मुख्यालय अटैच करके कर रहे हैं। लेकिन अब जो मामला सामने आया है ये फिर बहुत ही बेहद दर्दनाक और मैं कह सकता हूँ बेशर्म वाला कांड हुआ है, इंसानियत को कुचल देने का काम हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो वीडियो दिखाया जा रहा है, प्रदेश में पुलिस ही रक्षक से भक्षक साफ तौर पर नजर आ रही है और जो इंसानियत है वो भी शर्मसार होती हुई नजर आ रही है।
जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक वीडियो में वही सिपाही खाकी वर्दी उस पर भी है, वो उठाने का प्रयास करके उसको बचाने का प्रयास करके उसको इलाज कराया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधिकारी भी ये बात कह रहे हैं कि अच्छे से अच्छा इलाज हो, खाकी वो भी पहने हुए हैं, लेकिन एक वो खाकी है जिसने इस गरीब का तराजू फेंक दिया और वो तराजू लेने जब पहुंचा तो उसके दोनों पैर कट गए। हालांकि अगर उसे ये बात मालूम होती कि इस तराजू को उठाने में उसके पैरों की उसके पैरों का बलिदान देना पड़ेगा तो उन पुलिस वालों के डंडे खाना बेहतर समझता, लेकिन अपने पैर गंवाना बेहतर ना समझता। लेकिन दरअसल मैं बता रहा हूं ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो खाकी है वो खाकी का खौफ इस कदर है कि भूमाफियाओं गुंडों बदमाशों पर नहीं चल रहा है, गरीब ठेले वाले दुकानदार अतिक्रमणकारियों पर चल रहा है। अतिक्रमण अभी भी बहुत से चीजों में पक्के पक्के मकान बनाए गए, पक्की पक्की बिल्डिंगे बनाई गई, उन पर अतिक्रमण नहीं चलेगा, लेकिन किसी गरीब के दुकानदार का सब्जी फेंक देना, ठेले पे लात मार देना, उसका सामान फेंक देना और फिर उस बेचारे की पैर दोनों चले गए। हालांकि इसमें सस्पेंस कर देने से कोई नजीर नहीं पेश होगी, नजीर तो जब पेश होगी जब इस तरीके की हरकतें ना हो, इस तरीके की घटनाएं ना हो, और जो खाकी दूसरों की रक्षा करने के लिए बनी है, मजलूम गरीबों के लिए खाकी बनाई गई है, थानों के बोर्डों पे साफ साफ लिखा होता है आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व है सदैव तत्पर। लेकिन बात यहाँ पर यह आ रही है कानपुर के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के ये कह रहे हैं कि हमने दीवान को सस्पेंड कर दिया है, अभी तक दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई, दरोगा शादाब अहमद पर। दूसरी चीज जो परिवार का पालन पोषण भरण हो रहा होगा, अब पूछिए उसके उसके दिल पर एक तो गरीबी का बोझ, उसके बाद विकलांगता का बोझ उसके सर पर होगा, इसको लेकर के बहुत ही शर्मनाक है ये। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे भी इस बात की वीडियो को उनको जब उन पर नजर पड़ेगी तो शायद कोई ना कोई प्रतिक्रिया निकलेगी, मामला गंभीरता से आएगा। लेकिन सरकार जहां एक तरफ गरीबों के पुरसहा लेने की कोशिश कर रही है, वही पुलिस उनकी कार्यशैली पर बट्टा लगा रहे हैं। जी बिल्कुल दानिश, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सब्जी वाला पुलिस जो है उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा कि तराजू मत फेंकिए मैं दुकान हटा रहा हूं, लेकिन पुलिस वाले ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए जो तराजू है उसको पटरी पर फेंक दिया जिसके कारण उसके दोनों पैर खो दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दानिश और अहम जानकारी के लिए। तो आपको खबर बता रहे थे जहां पर एक पुलिस कर्मी के जो इंसानियत को शर्मसार करते हुए नजर आया है, तराजू उठाने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कानपुर के कल्याणपुर थाने के दीवान के दबंगई ने एक सब्जी वाले की पूरी जिंदगी तबाह कर डाली है। पुलिस कर्मी के कारनामे से गरीब अब अपने दोनों पैरों से महरूम हो गया है। दरअसल थाने के सामने रोड किनारे पर टमाटर बेचने वाले तराजू पुलिस कर्मी ने उठाकर पास के ही रेल पटरी पर फेंक दिया था और जब सब्जी वाला उठाने गया तो ट्रेन से उसके दोनों पैर कट गए और इस मामले में आरोपी दीवान को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि कल्याणपुर थाने के सामने रोड के किनारे सब्जी वाले की दुकानें लगती हैं और यहां दुकानें लगाना नियम के विरुद्ध है, लेकिन कुछ गरीब परिवार दशकों से यहीं दुकानें लगाकर अपना घर चलाते हैं। इन्हीं में शामिल लड्डू भी यहां टमाटर की दुकान लगाए हुआ था और दुकानदारों का ये भी आरोप है कि दीवान राकेश कल्याणपुर थाने के दरोगा शादाब के साथ मौके पर आए और उन्होंने पहले लड्डू को खूब हड़काया, फिर अचानक उसके तराजू उठाकर पीछे रेलवे लाइन पर फेंक दिया और इस दौरान सब्जी वाला पुलिस दीवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा कि तराजू मत फेंकिए मैं दुकान हटा रहा हूँ, लेकिन दीवान ने कुछ नहीं सुनी और उसकी ना सुनकर तराजू को फेंक दिया और जिसके बाद बता दें कुछ सामान उठाकर रेलवे पटरी पर भी फेंक दिया। दुकानदार लड्डू दीवार फांद कर जल्दी से अपना तराजू लेने पटरी पर पहुंचा जहां उसको अपने पैर खोने पड़े। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके खिलाफ शहरी कोतवाली में अब एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। उनके खिलाफ यह शिकायत भी आपत्तिजनक बयान देने के मामले में की गई है। जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर को किले के मैदान में अखिलेश यादव की एक जनसभा थी और इस जनसभा में आजम खान भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अभद्र बयान दिया था और शिकायत में कहा गया था कि आजम खान पे जनता की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि तुम कम हो वर्दियां ज्यादा है, वारे मेरे देश के चलाने वालों मुबारक हो, इलेक्शन कमिश्नर आप यहां आ जाओ और दे दो जीत का सर्टिफिकेट और इसको लेकर ही हम भी ताली बजाएंगे। इसके बाद उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया। आजम खान का ये बयान वायरल हो गया था जिसके बाद अब बवाल बढ़ने लगा है। मैं सुनता हूं ये बातें, सुनता हूं दोस्तों, जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है
चार सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है या नहीं। आजम खान पर दो दिन से जो है ये आपत्तिजनक बयान को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं। बता दें आपको कि आजम खान पर दो दिन से दूसरा केस दर्ज है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके खिलाफ शहर कोतवाली में अब एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। उनके खिलाफ ये शिकायत भी आपत्तिजनक बयान देने के मामले में की गई है। बता दें आपको कि आजम खान की मुसीबतें लगातार बढ़ने लगी हैं और जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर को किले के मैदान में अखिलेश यादव की एक जनसभा थी और इस जनसभा में आजम खान भी शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने अभद्र बयान दिया था और शिकायत में कहा गया कि आजम खान पे जनता की तरफ इशारा करते हुए बयान दिया गया कि तुम कम हो वर्दियां ज्यादा है, वारे मेरे देश के चलाने वालों मुबारक हो, इलेक्शन कमिश्नर आप यहां आ जाओ, दे दो जीत का सर्टिफिकेट एल्बम और इसको लेकर हम भी ताली बजाएंगे। इसके बाद उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था और जिसके बाद आजम खान के इस बयान के वायरल होने के बाद लगातार बवाल बढ़ता दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि आजम खान को लेकर लगातार बवाल बढ़ रहा है और जनसभा में उनके बयान दिए पर यह बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आजम खान पर दो दिन में ये दूसरा केस दर्ज हुआ है और अखिलेश की जनसभा में आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा है। तो इसी खबर पर हमारे साथ रामपुर से संवाददाता जिशान अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, पूरा मामला क्या है? आजम खान पर दो दिन में दूसरा केस दर्ज हो गया है। जिशान, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो जिशान से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार विपक्ष भी उन पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके खिलाफ शहर कोतवाली में अब एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। उनके खिलाफ ये शिकायत भी आपत्तिजनक बयान देने के मामले में की गई है। बता दें आपको कि जानकारी है 1 दिसंबर को किले के मैदान में अखिलेश यादव की एक जनसभा थी और इस जनसभा में आजम खान भी शामिल थे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और दूसरे चरण में कुछ महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की घाटौरिया सीट भी के साथ ही वीरमगाम सीट, जहां से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और गांधीनगर दक्षिण सीट शामिल है, जहां से आपको बता दें कि अल्पेश ठाकुर भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन कई दिग्गज चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा की जो रैलियां हैं वो करेंगे, और वहीं आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात में आपका सीएम केस बनाए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि इसुदान गड्डी का भी रोड शो है, जो रैलियां होंगी और योगी आदित्यनाथ अहमदाबाद खेड़ा आनंद में रैली करेंगे। तो गुजरात में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। बता दें आपको कि चुनाव प्रचार का जो थमने वाला है और योगी मान समेत कई दिग्गज आज जोर लगाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।